जर्मन गंडॉग वाय मारणार? ये इंडिया का एक नंबर का मैक्स है, हाइब्रिड फॉर अ रीजन, अनलेस एंड अंटिल थॉर क्रिक थॉर गो फाइन। तो देखो ब्रीड का डॉग ओबीडियंस में आना इट्स नॉट ए जोक। सर के पास फीमेल भी है और कितनी स्पेस भी है। हाँ, तीनों की नजर सर के ऊपर ही है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक नई कमाल धमाल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो है ना बहुत खास है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी डॉग ब्रीड दिखाने वाला हूँ उसके बारे में हिंदी में अभी तक कोई भी जानकारी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये पहली वीडियो होने वाली है। इवन अभी हिंदी में जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं डॉग के, उनके ऊपर भी इस डॉग के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। और दोस्तों ये जो ब्रीड है वो काफ़ी यूनिक है और जर्मनी से बिलोंग करती है। कौन सी ब्रीड है, क्या है, इसके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको आगे। तो दोस्तों अभी मेरे साथ है पृथ्वीराज सर और इनके पास है ये खास यूनिक ब्रीड, उसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेते। तो सर स्वागत है आपका चैनल पे। नमस्ते, तो सर मुझे पहले तो आप बताइए कि ये ब्रीड कौन सी है। ये इस ब्रीड का नाम है जर्मन गंडॉग वाय मारनार, इसके वाय मारनार बुलाते हैं। इट्स बिलोंग फ्रॉम जर्मनी, वायमार कंट्री। और इसको दूसरा नाम सिल्वर घोस्ट भी बोलते हैं। लग भी रहा है, मतलब देखने पर ही मतलब एकदम मस्त कलर लग रहा है इसका। काफ़ी यूनिक और रेयर ब्रीड है दोस्तों ये। और दोस्तों मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी ब्रीड हमारे इंडिया में भी है। काफ़ी ढूंढने के बाद हमें सर मिले हैं यहाँ पर। और सर आप कहाँ पर लोकेटेड हो थोड़ा बता दीजिए। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक लोकेटेड हूँ। ओके, हातकलंगले करके एक तालुका है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। क्या बात है। मेरे पास चार डॉग्स है, तीन फीमेल्स है और एक मेल है। इसकी एज अभी 2.5 साल है। ये बेसिकली हंटिंग ब्रीड है, लेकिन अभी इंडिया में हंटिंग बैन है, तो फिर कहाँ पे क्या करेंगे। करेक्ट, तो वही पोटेंशियल स्टेमिना वी आर यूटिलाइजिंग और चैनलिंग थ्रू अदर काइंड ऑफ स्टफ, जैसे कि ओबीडियंस होगा, रिट्रीविंग होगा, स्निफिंग होगा, डिटेक्शन होगा, या कोई दूसरा वाला काम। तो फिर क्या होगा, डॉग डिस्ट्रक्टिव नहीं बनेगा, डॉग विल बिकम काम एंड कॉन्फिडेंट, जैसे आप देख रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा कभी काफी शांत मतलब बैठा हुआ है। हाँ, काफी, अगर आप यहाँ पर देखो ना काफी चहल पहल है और दूसरे डॉग्स भी आसपास में है, फिर भी कामली सर के साइड में बैठा हुआ है। सर ये जो ओबीडियंस वगैरह जो शोज वगैरह होते हैं उसके लिए भी आपने इसको ट्रेन किया है। येस, तो थोड़ा मतलब दिखा दीजिए, मतलब क्या क्या ये डॉग कर सकते हैं। अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि ये जो चाबी है ना सर के हाथ में, वो अभी ढूंढ के लेके आने वाला है। ये चाबी इनकी गाड़ी की है, अगर ये ढूंढ के नहीं लेके आ गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी घर जाने के लिए। तो अभी सर इसको ये जो झाड़ी है यहाँ पर फेंकने वाले हैं और इनका जो डॉग है थॉर वो उसको ढूंढ कर लाएगा। सर वी विल ब्लाइंड फोल्ड दिस, मतलब इसको दिखाते नहीं, ही विल गो एंड सर्च थ्रू हिज नोज। ओके, अभी आपने स्मेल करा। हाँ हाँ, अभी वी विल थ्रो इट नाउ। तो दोस्तों आप देखो चाबी वहाँ पर फेंक दी है और इसकी आंखें जो है वो पूरी तरह से ढकी हुई है। हाँ। तो सर अभी उसको उसकी स्मेल ले रहे कीज की और अभी उसको छोड़ने वाले हैं। हाँ। सर हाँ थोर को फाइन। तो देखो सर्च कर रहे, सर्च कर रहे, देखो देखो दोस्तों देखो फाइनली उसको कीज मिल गई है। क्या बात है, देखो क्या बात है, एक नंबर एक नंबर। और सर मुझे आपसे जानना था कि ये जो अभी आपने ट्रेनिंग मतलब जो दिखाई। हाँ। क्या आप ऐसी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं? मैं प्रोवाइड करता हूँ, बेसिकली ग्रूमिंग और ट्रेनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। मेरे यहाँ पे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सांगली और बोर्ड एंड ट्रेन को डॉग्स भी मैं लेता हूँ। तो उसके हिसाब से मतलब जिसको जो चाहिए, ओबीडियंस, प्रोटेक्शन या डिटेक्शन का या एग्रेशन केसेज जो होते हैं, तो उसके हिसाब से आई ट्रेन देम एंड आई मेक देम परफेक्ट एंड हैंड ओवर टू देयर पेट पेरेंट्स। तो अगर आप देखने गए तो बहुत सारे डॉग्स ब्रीड है। तो आपने इसी ब्रीड को क्यों सिलेक्ट किया? मुझे पहले से ही यूनिक चीज और रेयर चीजों का बहुत शौक है, तो यहाँ वहाँ सर्च करके आई हैड रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस ब्रीड, हाउ टू रेज द पब, इफ यू आर गेटिंग द पब व्हाट काइंड ऑफ एक्सरसाइज, हाउ मच डाइट यू हैव टू गिव, व्हाट डाइट शुड बी गिवन। सो दैट आई हैड रेड इन सम ऑफ द बुक्स, आई हैड सर्च ओवर द नेट एंड गूगल, देन आई ब्रॉट ओनली वन फीमेल विच इज माई द फर्स्ट फीमेल, दैट इज हर नेम इज कॉल्ड डेजी। तो
तो दोस्तों आपने अभी जितनी भी ट्रॉफीज वगैरह देखी ना, तो ये सभी ट्रॉफीज इनका जो मेन डॉग है थॉर, उसने जीती है। तो पृथ्वीराज सर से इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये मेरा डॉग है, मैंने इसको केरला से लिया है, उसका ब्रीडर है एब्राहिम करके। इसकी बहुत बड़ी अच्छी लाइन है, जेनेटिक्स आर वेरी गुड। तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम KCI का जो चैंपियनशिप सर्टिफिकेट है, उसने चार शो में चार सीसी, दीज आर द फोर वन, और उसमें उसको BOB भी मिला है। ये इसके BOB के सारे है। BOB को बेस्ट ऑफ ब्रीड बोलते हैं। सीसी का फुल फॉर्म है चैलेंजिंग सर्टिफिकेट। चार सीसी होने के बाद आपका डॉग एक टाइटल अचीव करता है, उसको बोलते हैं कि चैंपियन टाइटल। तो ये चार सीसी हमको KCI में अप्लाई करके अपने ओरिजिनल पेपर को भेज के उसके पीछे चैंपियनशिप सर्टिफिकेट अंडर फोर डिफरेंट जजेस, जो जो जज है, कौन से शो में मिले हैं, डेट वाइज सारे आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, अगले लीटर में और उसकी प्रोजेनी जब आगे बढ़ती है तो उसमें क्या होता है, उसके नाम के आगे CH करके नाम आता है, पिन होता है, दैट इज CH उसके आगे जो है, मतलब जो आपका डॉग टाइटल अचीव करता है, दैट विल कम इनिशियली बिफोर द केनल्स नेम और बिफोर द डॉग्स नेम, मतलब दैट इज कॉल्ड चैंपियन। तो लोग बोलते हैं कि चैंपियन टाइटल है, चैंपियन लाइन है, तो वो चैंपियन लाइन कैसी होती है, उसके आगे जो टाइटल CH लिखा होता है उसको चैंपियन बोलते हैं। ये जो ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हो, तो आपने ये ट्रेनिंग कहाँ से कंप्लीट की, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। मेरे एक मेंटर है अभिजीत चिटनिस सर, उन्होंने मुझे उन सर का रिकमेंड किया था, एंड हिज वेल नेम इज जय विश्वास, बर्निंग आइज K9 उनके केनल का नाम है। देर हैड कम्प्लीटेड माई ओबीडियंस का जो सेमिनार होता है, और उसके बाद मैंने एक सेमिनार KCI ओबीडियंस का ट्रायल्स का किया था, केनल क्लब ऑफ इंडिया का जो है केनन पेट रिसोर्ट में, इट इज़ प्लेस्ड इन बैंगलोर। इसके ओनर है कुमार रिच, द डायरेक्टर एंड ट्रेनर, और वहाँ पे मेरे जो मेन मेंटर है, जैसे कि अभिजीत चिटनिस सर, और एक मेरे मेंटर है, दैट इज़ वो मुझे हर एक चीज़ में गाइड करते हैं, हिज नेम इज़ हेमंत आर्चा, उनका एक डॉग है रॉनी करके, उसको उन्होंने ओबीडियंस टाइटल लिया है। सो ही और दीज टू पीपल्स ऑलवेज गाइड मी फॉर वेरी लिटिल सिचुएशन, तो उनके सिवाय में कुछ भी नहीं हो, बिकॉज everyone must have his guru, without mentor you can't go any forward, and I am blessed that I am having these mentors with me. और उसके बाद ये इंडिया का एक नंबर का मैगजीन है डॉग्स एंड पब्स, उसके कवर पेज पे दिस इज माई बीच, अडल्ट बीच, विच इज़ द फर्स्ट वन, और शी वॉज सेलेक्टेड फॉर हर कवर पेज, और उसके अंदर ब्रीड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये मैं ही हूँ, ऐसा मत समझो कि आप वो दूसरा कोई है, ये मैं ही हूँ, दैट इज़ माई द फर्स्ट जर्मन शेपर्ड अल्सेशियन डॉग, हर नेम इज़ ब्रूटी। तो इसके अंदर वो ब्रीड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर मी। दिस इज़ माई फैमिली, दिस इज़ माई फादर, दिस इज़ माई मदर, एंड दिस इज़ माई होल डॉग फैमिली। तो दोस्तों सर के पास है ना डॉग बॉक्स भी है, और ये डॉग बॉक्स मतलब है ना ट्रैवल करते टाइम बहुत ही यूजफुल थिंग है, तो इसके लिए भी ट्रेनिंग रहती है। अगर आप किसी एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हो, या विद इन कंट्री भी अगर ट्रैवल कर रहे, तो आपका डॉग इसके अंदर कितना सेफ है, और इसके लिए क्या ट्रेनिंग होती है, अभी हम दिखाने वाले। तो इनका जो थॉर है वो इसके लिए ट्रेन हो चुका है। या डाउन, या वेट, टेक द ट्रेट, वेट, थ्रो द ट्रेट इनसाइड, ओके, थॉर क्रिक, लॉक। दिस इज अ बेस्ट वे टू ट्रेन द डॉग फॉर द क्रेट ट्रेनिंग और डॉग बॉक्स। सो द डॉग विल बी कंफर्टेबल इन दिस क्रेट। और फ्लाइट में ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, ITA के सर्टिफाइड के अकॉर्डिंग टू दैट। सो इसका हाइट, द डॉग शुड नॉट ईजीली स्टैंड इन दैट, इट शुड बी सिट एंड बी कम्फर्टेबल इन दैट। गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर प्रॉपर एयर वेंटिलेशन भी बनाए हुए हैं, ताकि डॉग को अंदर कुछ भी तकलीफ ना हो, और वो ट्रैवल इजीली और अच्छी तरीके से कर सके। ब्रीड शो और ओबीडियंस शो में क्या डिफरेंस रहता है? ब्रीड शो में क्या है कि यू नीड टू शो द ब्रीड, उसके नाम में है ब्रीड शो, मतलब ब्रीड आपको शो करना है, उतना ही काम है। तो ब्रीड शो में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन केनन क्लब, दे हैड मेंटेन द ब्रीड स्टैंडर्ड्स, तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से
आपका ब्रीड मैच करता है या नहीं, तो दैट द जज सीज, वो जज वहाँ पे वही देखता है, और उसके बाद वो आपकी मूवमेंट कैसी है, आप चलते कैसे, डॉग आपके साथ अलाइनमेंट है या नहीं, लीश कैसे लगाई है, लीश प्रेशर कहाँ पे देते हो, डॉग का फोकस कहाँ पे है, तो वो सारा ध्यान जज मतलब देता है। तो वहाँ पे टेम्परामेंट टेस्ट देखते हैं, डॉग को हाथ लगा के द डॉग शुड नॉट ग्राउल, टेस्टिकल्स चेक करते हैं, डॉग के बाइट, जो बाइट होते हैं, जो सीजर बाइट्स वगैरह रहती है, तो ये बाइट चेक करते हैं, तो डॉग आपके साथ अटैच है या नहीं, और उसके बाद डॉग को स्टैक करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टैकिंग पोजिशन, और देन द जजिंग स्टार्ट्स। और ब्रीड के डॉग में और ओबीडियंस के डॉग में, मतलब ब्रीड का देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ब्रीड के डॉग को एक ही बात पते है, आई शुड गो देयर एंड आई शुड स्टैक लाइक अ स्टैच्यू, दैट्स ऑल। जो ओबीडियंस का डॉग होता है उसको स्टैक करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसको एक आदत पड़ी होती है कि व्हाट इज द नेक्स्ट कमांड, ही इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कमांड। मतलब ओबीडियंस के डॉग को कमांड लेने की आदत पड़ रही थी, तो अभी क्या बोला है कि सिट, तो सिट के बाद क्या आएगा, डाउन या स्टैंड, जो कुछ भी कमांड है, तो देयर इज मोर डिफिकल्टी इन, मतलब बहुत डिफरेंस है ब्रीड में और ओबीडियंस में। तो ये ओबीडियंस का डॉग ब्रीड में आ सकता है, लेकिन ब्रीड का डॉग ओबीडियंस में आना इट्स नॉट ए जोक, क्योंकि उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बना होता है वो वैसे नहीं बना होता है, ब्रीड का डॉग ब्रीड के लिए ही बना है, मतलब ब्रीड शो के लिए। तो दिस इज द मेन डिफरेंस इन दैट। और सर ये आपके हाथ में अभी जो खूबसूरत से डॉग फीमेल है उसके बारे में थोड़ा बताइए, ये इसका नाम वगैरह क्या है? इसका नाम नोवा है। शी इज आल्सो हैविंग अ वेरी गुड जेनेटिक्स। आई हैड गॉट इट फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज फ्रॉम तिरुपति नियर बाय टू चेन्नई, दैट प्लेस इट इज, वहां से मैंने इसको लिया है। सो इन फ्यूचर केस मेरे पास अभी चार वाइमनर है, दो फीमेल और एक फीमेल थ्री और एक मेल, ऑल आर ऑफ डिफरेंट लाइनेज, तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं तो फिर क्या होगा, इन ब्रीडिंग लाइन ब्रीडिंग जो बोलते हैं लोग, तो वो हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने हर एक लाइन अलग अलग ले ली है, तो मुझे मतलब कॉम्बिनेशन में वेरिएशन भी आएगा, और जो लाइन होती है प्रोजेनी बोलते हैं लोग उसको, जो लाइन बोलते हैं वो कंटिन्यू चालू रहेगी, मतलब आगे इट विल बी रिमेनिंग। और इसके बारे में थोड़ा पता ही नहीं अभी कितने मंथ की है, ये चार मंथ की हो जाएगी, चार मंथ की, हाँ, और काफी खूबसूरत है और मतलब शांत से बैठी है। अरे उसका टेम्परामेंट बहुत ये है, और इसको मैं हैदराबाद शो में लेके जाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम। हाँ, तो इसका अभी कुछ टाइटल कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज कि अबाउट सिक्स मंथ्स ओनली यू कैन एंटर इन द शो। और सर मुझे जानना था कि अभी ये पपी स्टेज में है, तो इसका डाइट वगैरह कैसा रहता है, क्या क्या खिलाते हैं? पपी स्टेज में कैसा होता है सर, वी नीड टू गिव द डॉग फूड टिल वन ईयर। मैं इसको कर्ड कभी कभी देता हूँ, कर्ड में प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स होते हैं, एंजाइम्स होती है, तो देर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ लूज मोशंस और दोज थिंग्स। और इफ़ यू आर गिविंग कर्ड, देर इज़ वन प्लस पॉइंट, तो शाइन वगैरह भी रहता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। हाँ, तो दीज आर द थिंग्स। और आफ्टर वन ईयर यू कैन शिफ्ट ऑन योर होम फूड और द अदर फूड ऑल्सो। सर के पास फीमेल भी है और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत फीमेल है। पेपर पे इसका नाम डिप्सी डियर है, लेकिन हम प्यार से इसको डेजी बुलाते हैं। दिस इज माय मेन फीमेल, ये मेरी सबसे पहली फीमेल है। 3000 पेजेस का एक बुक पड़ा है, देन आई हैड टुक दिस ब्रीड, बिकॉज एवरी टाइम यू कैन नॉट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सच सिली थिंग्स। तो हर टाइम आप दूसरे को पूछ नहीं सकते कि ये ब्रीड के बारे में, तो मैंने यही ब्रीड रखने की वजह है कि मुझे इसका नॉलेज थोड़ा मतलब है, और मैं अभी तक लर्न कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारा जो है लिया है, बहुत सारा नॉलेज, लेकिन अभी भी मैं आई वॉन्ट टू लर्न ऑल दोस थिंग। तो उसका दिस इज अ वन गुड एग्जाम्पल। उसके बाद मैंने वो सारे अदर डॉग्स ले लिए, लेकिन ये मेरी पहली फीमेल है। बहुत सारे ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट जीते हैं, तो उसके बारे में सर से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स इम्पोर्टेड है, लेकिन एक मीडिएटर पर्सन ने मुझे टाइम पे पेपर नहीं दिए थे, तो इसकी वजह से मैंने उसको अननोन रजिस्टर किया है, दैट इज कॉल्ड सिंगल डॉग रजिस्ट्रेशन। मतलब उसकी पेडिग्री जो होती है, उसके मदर फादर जो है वो अननोन रहते हैं। ओके
और क्योंकि मुझे शो खेलना था और विदाउट केसीआई पेपर्स यू कांट शो द डॉग इन द केसीआई रिंग, तो उसके लिए मैंने अननोन डॉग रजिस्ट्रेशन करके मैंने उसको कोल्हापुर और गडिंग्लज के शो में शो किया था और देयर शी हैज बीन अ चैंपियन। ये गडिंग्लज में मिला है, ये भी गडिंग्लज का है, दिस इज एट कोल्हापुर, दैट ऑल्सो कोल्हापुर, दैट इज ऑफ बेस्ट ऑफ ब्रिड्स, दैट इज कोल्हापुर एंड गडिंग्लज बोथ ऑफ देम। सी सी सर्टिफिकेट, चैलेंजिंग सर्टिफिकेट, सी सी मतलब चैलेंजिंग सर्टिफिकेट, और ये चैलेंजिंग सर्टिफिकेट व्हेन यू अप्लाई फॉर केसीआई क्लब तो उसके बाद जो आता है दिस इज कॉल्ड चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट। कौन कौन से शो के अंदर ऑन विच डेट और कौन सा जज था वो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी आती है, और यही जब अपना ओरिजिनल पेपर होता है उसके पीछे आता है दिस इज़ द थिंग टाइटल ऑफ चैम्पियनशिप्स, मतलब अटेंडेड ऑन दिस दिस वाइमनर ब्रीड, दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर, द नेम, द फीमेल एंड फोर सीसीज हैज़ अंडर लिखा है यहाँ पे देखो। और इसको मैंने एक अलग लेवल के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड फॉर ट्रैकिंग एंड आई एम यूजिंग हर फॉर सर्चिंग फॉर कॉन्ग पीसेस, मतलब कॉन्ग का जो सेंट है उसके लिए मैंने उसको स्टार्ट किया है, वो ब्रिक में या कहीं पर भी छुपा था, सो शी इंडिकेट दैट कॉन्ग इज़ देयर, और ट्रैकिंग में भी मैं यूज़ करता हूँ। और सर मुझे पूछना था कि अगर किसी को ये ट्रेनिंग करवानी हो आपसे, लेकिन उसके लिए क्या है उसको बोर्ड एंड ट्रेन मतलब यहाँ पे मेरे यहाँ पे रखना चाहिए और आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए यार मुझे ये ट्रैकिंग करना, तो उसमें ट्रेनिंग में आता है ओबीडियंस ट्रेनिंग आता है उसमें, फिर एडवांस भी आता है, प्रोटेक्शन ट्रेनिंग है, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो प्रोटेक्शन है, उसके बाद है एजिलिटी का थोड़ा बहुत कोई करता है, उसके बाद डिटेक्शन का होता है, कोई कोई स्निफर डॉग्स प्रोवाइड करता है उसका एक अलग पार्ट का ट्रेनिंग, लेकिन उसके लिए आपके पास जो गवर्नमेंट अप्रूव लाइसेंस होना चाहिए। इसका नाम स्टेला है, ये मेरे दूसरे लीटर में से पपी मैंने रखा है, और इसको मैं डिटेक्शन के लिए यूज करता हूँ, मतलब फॉर माय पैशन, और अगर अच्छा काम करेगी तो देखेंगे फिर आगे कहाँ तक लेके जा सकते हैं। और इसकी एक सीसी रह गई है टाइटल कंप्लीट होने के लिए चैंपियन, शी हैज गॉट 3 सीसीज, 1, 2, 3, एक सीसी के बाद शी विल बी ऑल्सो गुड चैंपियन। तो दोस्तों ये कुछ केज पृथ्वीराज सर ने अपने डॉग्स के लिए बनाया है, इसका जो साइज है दैट इज 4x3x3, तो ये बड़ा डॉग के लिए बनाया है, तो एक मीडियम साइज का डॉग इसमें आराम से बैठ सकता है। ये जो जाली है दैट इज 1x1, इसको इंच जाली बोलते हैं। हाँ, ये मैंने क्यों यूज किया है, दूसरा रीजन है एयर वेंटिलेशन के लिए। ओके, और एक प्लस पॉइंट क्या है, ये फूड बॉल है और ये है फूड स्टैंड। तो हर एक डॉग को अलग अलग हाइट के हिसाब से वी कैन फीड इन दिस, तो वी कैन माउंट इजीली दिस फूड स्टैंड इन दैट, तो इजीली ये फूड स्टैंड बैठता है। तो क्या बात है। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मतलब अकॉर्डिंग टू डॉग हाइट आप इसको कहीं भी कैसे भी लगा सकते हो। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो वी डोंट बेंड डाउन, हम खाने का हाथ मुंह की तरफ लाते हैं, तो उसका वो रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको तकलीफ ना हो, और जब डॉग चलता है, क्योंकि जब हम ऐसे ही खाना खाएंगे तो हमको एक आदत लग जाएगी कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए तकलीफ होने की वजह से, तो जब डॉग मूवमेंट करता है या चलता है तभी भी वो डॉग ऐसे ही चलेगा, तो वो ना हो इसलिए दिस इज़ द बेस्ट थिंग, मतलब मेरे हिसाब से, और मुझे उसका रिजल्ट आया है इसलिए मैंने ये करके लिया है। और इसमें और भी कुछ आपने किया है जैसे कि ब्लू कलर की मैटिंग भी, उसके बारे में थोड़ा बताओ। ये फाइबर की शीट्स है। ओके, ये 1x3 की है, ये प्रॉपरली डिजाइन फॉर डॉग्स है और कैटल फील्ड्स के लिए। इससे क्या होता है डॉग्स के जो पॉज है पॉज वो स्प्रेड नहीं होते हैं, स्प्रेड जो प्रॉपर शेप में चाहिए जैसे कि हाइंड लिम्स, और उसके लिए क्या होता है डॉग के जॉइंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं आते, जैसे कि मैं भी इसमें अगर बैठ जाऊंगा तो भी आई कैन प्रॉपरली सीट इन दैट। कितनी स्पेस भी है यहां। हाँ, इजीली मैन कैन फिट इन दिस, और इसका देयर इज इंटरलॉकिंग सिस्टम बिटवीन ऑल दिस शीट्स, तो ये छूटता नहीं है, ना हिलेगा ना डुलेगा, नथिंग विल हैपन टू दिस। ओके, सो दिस इज द बेस्ट पॉइंट ऑफ दिस, और इजीली ड्यूरेबल है, वॉशेबल है, वी कैन इजीली क्लीन ऑल्सो,
तो इसका लाइफ स्पैन बहुत अच्छा है। हाँ, और इसमें अगर सुसुपोटी डॉग करेगा तो इसके नीचे ट्रेज है, ये दीज आर द ट्रेज। हाँ, तो ये ट्रे हम निकाल के इजीली सुसुपोटी क्लीन कर सकते हैं। ओके, नीचे व्हील्स लगाए हैं। ओके, सो वी कैन इजीली मूव द क्रेट एनीवेयर हेल्स। क्या बात। और यहाँ पे स्टॉपर भी लगाया है, सो अगर कभी बाय चांस मूव ना करें तो वी कैन स्टॉप द केज ओवर हियर, तो ये हिलने में नहीं होगा। देखो क्या बात है, मतलब आपने प्रॉपर रिसर्च करके पूरा एक केज बनाया है। और हाइट होने की वजह से क्या होता है, एयर वेंटिलेशन नीचे से जाता है, तो डॉग वो हवा वगैरह आने की वजह से डॉग फील वेरी गुड एंड कंफर्टेबल इन दिस केज। तो दोस्तों, एक आइडियल जो केज डॉग के लिए होना चाहिए वो ऐसा ही होना चाहिए। आपको एक आइडिया मिली होगी कि कैसा केज बनाना चाहिए, इससे कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो को आप भी लाइक कर दो। इम्पल्स कंट्रोल है इसको बोलते हैं, जब तक मैं बोलूँगा नहीं ईट तब तक डॉग खाएगा नहीं। ओके, सो ये आपको थोड़ा एक ट्रेनिंग का पार्ट दिखा था। हर नेम इज डेजी, उसकी लड़की है उसका नाम है स्टेला, और दिस इज द मेन विच आई हैड गॉट, हिज नेम इज थॉर। दीज आर द रिवॉर्ड, चिकन पीस है, चिकन फिट है। तो या तीनों डॉग कितने शान से बैठे हुए हैं और तीनों की नज़र सर के ऊपर ही है। सर ने उनको कमांड दी है स्टे की और हिल भी नहीं रहे हैं, देखो। तो दोस्तों, अगर आपको इस लेवल की ओबीडियंस ट्रेनिंग आपके अपने पेट को सिखानी हो तो आप सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इट तो सर कैसे है कि अभी ये वीडियो देखकर बहुत सारे लोग पपीज लेना चाहेंगे, तो क्या आपके पास पपी वगैरह अवेलेबल रहते हैं? आई ब्रीड फॉर अ रीजन, अनलेस एंड अंटिल आई अचीव सम टारगेट रिगार्डिंग द मेल एंड फीमेल, टिल देन आई वोंट ब्रीड। और व्हेन समवन कंसल्ट मी फॉर टेकिंग अ पपी, देन आई फर्स्ट प्रेफरली आस्क देम वेयर डू यू लिव, हाउ मच टाइम यू कैन स्पेंड विद द पपी, व्हाट काइंड ऑफ फ्लोर यू आर हैविंग, मतलब जो फर्श वगैरह होती है, इफ़ यू आर नॉट देयर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर होम, मतलब आपके पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि आप सपोज बाहर गए तो इज देयर एनी वन हु कैन टेक केयर ऑफ द पेट, नहीं तो क्या होता है फिर पपी बाद में लेते हैं एंड पपी एडॉप्शन को दे दो, यहाँ वहाँ पे दो मुझे ये नहीं, तो ये चीज़ें ना हो इसलिए फर्स्ट ओनली वी आई कंसल्ट टू द पेट पेरेंट्स which makes inquiry for buying the pup from me myself. Okay. I provide different types of services such as board and train services are there. I go door and door to door services also मैं provide करता हूँ। उसके बाद obedience training है, advanced obedience training वगैरह है, detection का करवा के लेता हूँ। मतलब some people are that हमारे बच्चे ने हमारा कुछ तो ये ढूंढ के लाना है या वो कुछ तो लाना है, तो दैट आई प्रोवाइड द बेसिक होमवर्क। जब डॉग कोई काम करता है तो घर वाले भी बहुत आ रहे हैं, ये मेरे सोने ने ये किया, मेरे लाडले ने ये किया, ऐसा किया, तो दैट आई कीप एंड मेक देम हैप्पी। तो सर आप ग्रूमिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हो? यस, ग्रूमिंग इज मस्ट फॉर डॉग्स, नेल कटिंग, ट्रिमिंग, सैनिटरी एरिया, अंडरपॉज एरिया, एनल ग्लैंड क्लीन करना होगा, वॉश करना है, ड्राई करता हूँ, उसके बाद कट करता हूँ, जीरो ट्रिम भी करता हूँ, स्किन इन्फेक्शन अगर किसी डॉग का होगा वो भी करता हूँ, मेडिकेटेड बाथ जो है वो भी करता हूँ, दैट होल सर्विसेस आई प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो दोस्तों, अगर आपको ग्रूमिंग वगैरह की सर्विस भी चाहिए या किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग वगैरह भी चाहिए तो आप सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थे पृथ्वीराज सर, और आपने देखे इनके सभी सारे डॉग्स, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से वेल मेंटेन इन्होंने रखा है, और इतनी अच्छी जानकारी इस ब्रीड के बारे में हमें इन्होंने दी, तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ये सर जो है वो खाली ब्रीडिंग पर इनका फोकस नहीं है, पर और भी चीज़ें वो करते हैं, और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह करवानी हो तो आप सर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। आपका भी सर धन्यवाद, आप इतने दूर से मेरे लिए आए टाइम निकाल के, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम, आपको अगर किसी भी चीज़ की कहीं भी ज़रूरत होगी तो मुझे डेफिनेटली बता देना। धन्यवाद।